हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्णा मैम। सो फ्रेंड्स, हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और आज हम लोग करने वाले हैं वर्ब। उसके जो 8 पार्ट है, आई रिपीट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो अभी हम लोग उसमें से करने वाले हैं वर्ब। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज वर्ब? वर्ब को अगर हम हिंदी में बोले तो उसे क्रिया, क्या है वो? क्रिया। और वर्ब आर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है जो किसी काम का होना बताती है। हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें एक वर्ब डेफिनेटली होगा। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ब्स जो है वो बैकबोन ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि उसके बिना हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। एट एनी कॉस्ट वी कांट फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। आप देखिए, बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस बना सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस। इसलिए हम लोग वर्ब को क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ द सेंटेंस। ओके, अभी वर्ब जो है वो क्या करती है? दे शो और एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। क्या एक्सप्रेस करती है? किसी काम का होना और उसकी स्थिति, स्टेट यानी कि स्थिति जो है उनको शो करती है। और ये 3 तरह के एक्शंस होंगे, ठीक है? फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ये 3 चीजें जो है वर्ब शो करती है। जैसे कि फिजिकल एक्शन क्या है? डांस, वॉक, ईट। ओके, सी, वॉक, डांस, फाइट एंड ईट एटसेट्रा। ये सब चीजें जो है, जैसे कि डांस करना, उसमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हमें नजर आ रही है। वॉक करना फिजिकल एक्टिविटी है। प्ले, फाइट, सब में कोई ना कोई हमें फिजिकल एक्टिविटी दिखाई दे रही है। जैसे हम बोले कि आई वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे। ओके, तो वॉक, हाँ, मैं जाती हूँ या मैं चलती हूँ, घूमने जाती हूँ मॉर्निंग में। डांस, द गर्ल्स वर डांसिंग इन द पार्टी। फाइट, द चिल्ड्रन वर फाइटिंग। ओके, एंड ईट, ही ईट स्वीट्स। ओके, तो ये जो सारे वर्ड्स है ये सारे क्या है? किसी न किसी एक्शन का, फिजिकल एक्टिविटी का होना शो कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा मेंटल एक्शन। इसमें क्या होगा? मेंटल एक्शन, अब इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी, बट वो एक मेंटल सिचुएशन है। जैसे कि आई थिंक अबाउट माई चिल्ड्रन, आई थिंक। ओके, अब इसमें कुछ करना नहीं दिख रहा है, आई थिंक, तो मेंटल एक्टिविटी है। एंड लाइक गेस, आई कैन गेस व्हाट माई पेरेंट्स विल ब्रिंग फॉर माई बर्थडे, आई कैन गेस। ओके, तो इसमें ये है मेंटल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट वन, ए स्टेट ऑफ बींग, यानी कि कुछ होने की स्थिति, स्टेट ऑफ बींग। उसमें क्या होगा? टू बी, टू एग्जिस्ट। आप भी देखिए, टू बी यानी उसमें जो वर्ब्स आएगी वो इस तरह की इज, एम, आर, जो हमने अभी सेंटेंस में टेंसेस में पढ़े थे, सारी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी होती है बी फॉर्म। ओके, तो ये सारी इसमें आएगी, स्टेट ऑफ बींग। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर। अब इसमें देखिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी नहीं है। ओके, इसमें कोई एक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, ना फिजिकल एक्शन है ना ही मेंटल एक्शन है, उसकी स्थिति है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर है वो, उसकी स्टेट को बता रहा है कि वह डॉक्टर है। और हम लोग कह सकते हैं जैसे लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल। अब इसमें भी उसकी स्टेट की, वो किस स्थिति में है, उसकी क्या स्टेट है, तो वह शो करता है। और इसमें क्या आएगा? इज एम आर वॉज वर टू बी फॉर्म से वर्ब की, लेटर आई विल एक्सप्लेन इट, वो सब इसमें आएगी। एंड टू एग्जिस्ट, जैसे वी कैन से गॉड एग्जिस्ट, है ना, ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन वी कांट सी, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट गॉड एग्जिस्ट, हाँ, तो गॉड है। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो आएगी स्टेट ऑफ बींग। नाउ सी, माई पेरेंट्स लव मी। तो अभी देखिए, लव जो है, व्हाट इज दिस? इट्स अ वर्ब। ओके, लव मीन्स प्यार करना, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं। तो ये लव जो है वो क्या है? एक्शन, वी कैन से एक्शन। ओके, और ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा माई पेरेंट्स।
क्योंकि लव कौन करता है, माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स हो गया सब्जेक्ट। वी कैन से सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एंड मेरे पेरेंट्स प्यार करते हैं किसे, मुझे, तो मी, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, समटाइम्स इट मे बी टू। हाँ देखिए, आई विल टेल यू ए स्टोरी, ओके, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, ओके, एंड विल टेल, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज वर्ब, मेन वर्ब। और अभी यहाँ पर आप देखिए, यू जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और ए स्टोरी, हाँ स्टोरी, दिस इज ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट यू कैन सी, तो एक जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अभी देखिए आप, जैसे आई विल टेल यू ए स्टोरी, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, एक स्टोरी बताने वाली हूँ। तो अब इसमें क्या का जो रिप्लाई आ रहा है, क्या, क्या बताने वाली हूँ, स्टोरी, क्या का जो रिप्लाई हमें मिलता है वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। और किसे, हुम, जब व्हाट का हमें रिप्लाई मिले दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हुम का हमें रिप्लाई मिले, किसे स्टोरी बताने वाला है, यू, तो ये यू जो है वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, गॉट इट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, ओके। तो और क्या, जो व्हाट का रिप्लाई करेगा, जैसे कि स्टोरी बताऊंगी, क्या बताने वाली हूँ, स्टोरी, तो क्या का रिप्लाई हो रहा है व्हाट का, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का जो रिप्लाई करेगी वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। आई थिंक गॉट इट, इट इज क्लियर फ्रेंड्स। नाउ सी टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस कांट बी कम्प्लीट, हाँ इट कांट बी कम्प्लीटेड और इट विल बी मीनिंगलेस, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट लगता है वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। मदर कुक्ड, अब देखो मदर कुक्ड, मदर ने कुक किया, क्या कुक किया, जब तक हम उसके आगे नहीं लिखेंगे फूड, डिनर, लंच, वॉट एवर, तब तक ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो वी हैव टू राइट ये मदर कुक्ड, जस्ट सपोज हमने लिख लिया फूड या फिर हमने लिख लिया लंच, देन द सेंटेंस विल बी कम्प्लीटेड, ओके। अभी नेक्स्ट सी, शी इज, वह खाती है, क्या खाती है, जब तक इसका आंसर नहीं आएगा द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो अब हमें यहाँ कुछ ना कुछ, जैसे शी इट्स, क्या खाती है, चॉकलेट, स्वीट्स और एनीथिंग वी कैन से। तो यहाँ पर जब हम कुछ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया स्वीट, शी इट्स स्वीट्स, हाँ, तो अब ये सेंटेंस हो गया कम्प्लीट। यानी कि ये जो वर्ब्स है ईट्स, ये कुक्ड, तो इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, विदाउट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल बी मीनिंगलेस, ओके। नाउ सी, अमित बॉट, अमित लाया, अमित ने कुछ परचेज करके लाया, है ना, कुछ परचेज किया। अब क्या परचेज किया, जैसे ए कार, ए बाइक एंड ए हाउस, एनीथिंग, कुछ भी परचेज किया, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली। तो क्या हो गया, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीटेड, तो वो वाले जो वर्ब्स है वो क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ओके। नाउ लेट्स सी इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट की, जैसे कि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है ट्रांजिटिव वर्ब में, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, हाँ, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, इट कैन बी फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशनल फ्रेज और एन एडवर्ब, उसमें भले ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन उसमें एडवर्ब हो सकता है और उसमें कोई फ्रेज हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसे। फॉर एग्जाम्पल द बॉय स्माइल, हाँ द बॉय स्माइल, अब उसने स्माइल किया,
अब उसके आगे कोई जरूरत नहीं है आगे कुछ भी इस ऑब्जेक्ट लगाने की कि भाई किससे स्माइल दी या क्या, तो ये क्या हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। एंड वी सी शी स्पोक लाउडली, शी स्पोक हाँ ये अपने आप में कंप्लीट है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है वह बोली हो गया सेंटेंस कंप्लीट है। बट यहाँ पर हो सकता है एडवर्ब हो सकता है एंड दिस प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है, तो यहाँ हमने लिया है लाउडली, ये है दिस इज एन एडवर्ब, शी स्पोक लाउडली स्लोली, ओके कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ही स्वैम, उसने स्विमिंग की, हाँ अपने आप में कंप्लीट है। और यहाँ पर क्या है अक्रॉस द रिवर, ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो कहने का मतलब है इसकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एडिशनल वी कैन एड दिस, ओके और दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन एडवर्ब, ओके। तो ये वाली जो वर्ब्स रहेगी इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में कम्प्लीट होती है। जैसे हम एक और बोल सकते हैं बर्ड्स फ्लाइज, हाँ बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स बस उड़ते हैं, अब कहाँ उड़ते हैं कैसे उड़ते हैं वो देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके ओके फ्रेंड्स। ये यहाँ मैंने कुछ वर्ब्स लिखी है जैसे गो लाई डाई फॉल, तो ये वाली जो वर्ब्स होती है ऑलवेज वी कैन यूज इन इनट्रांजिटिव वर्ब ओनली, नेवर वी कैन यूज इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कभी भी नहीं होगी, हमेशा इनट्रांजिटिव ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सी जैसे गो, तो अब हम बोलेंगे कि ही गोस टू स्कूल, ठीक है अभी ही गोस अपने आप में भी कम्प्लीट है, अगर इसके आगे हमने कुछ एडिशनल एड किया ही गोस टू स्कूल, ही गोस टू उदयपुर जयपुर वेयर एवर, तो अभी ये जो है गोस टू स्कूल ये क्या हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, वह फ्रेज ले रहा है ऑब्जेक्ट नहीं, माइंड रीड फ्रेज ले रहा है ऑब्जेक्ट नहीं। ही लाइज अपने आप में कम्प्लीट है कि वह झूठ बोलता है, ओके ही डाइड एंड फॉल द कैट फेल इन टू द वेल, तो अभी इन टू द वेल ये क्या हो गया इन टू द वेल फ्रेज हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। स्लैप्ड द बेबी स्लैप्ड ऑन द सोफा ये भी हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये जो है सारी ही वर्ड्स वर्ब जो मैंने यहाँ लिखी है हमेशा इनट्रांजिटिव के रूप में ही यूज करेंगे, कभी भी ट्रांजिटिव के रूप में यूज नहीं आ सकती है, ओके गॉट इट। नाउ सी सम एग्जांपल्स, यहाँ पर क्या होगा ये जो वर्ब्स है वो ट्रांजिटिव में भी यूज हो रही है और इनट्रांजिटिव में भी। लेट सी द एग्जाम्पल ही रॉट ए स्टोरी, ही रॉट उसने लिखा, क्या लिखा ए स्टोरी, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट ले रही है, तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। अभी ये यहाँ देखिए रोट, यहाँ पर भी ही रोट उसने लिखा क्या इन ए डायरी, अब क्या का रिप्लाई नहीं आ रहा यहाँ पर, यहाँ क्या का रिप्लाई था ही रोट ए स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट हो गया और उसने लिखा इन ए डायरी, तो ये एक फ्रेज हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज, और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो लेता है वो क्या होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ओके। तो आप देख सकते हैं कि रोड जो है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ओके गॉट इट ना, कि एक ही वर्ब को हम ट्रांजिटिव में भी यूज कर सकते हैं और इनट्रांजिटिव में भी। लेट्स सी अगेन द कप ब्रोक, कप टूट गया, अब इसके आगे हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है तो अब ये क्या हो गया ये जो है वो इंट्रांजिटिव हो गई। ही ब्रोक उसने तोड़ दिया, अब जब तक कि हम आगे ना बोले ही ब्रोक द टेबल ही ब्रोक द कप और ही ब्रोक एनीथिंग तो तब तक ये कम्प्लीट नहीं होगा, यानी कि इट टेक्स ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट लेता है वो क्या कहलाता है ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये हो गए ट्रांजिटिव। अब आप ये देखिए यहाँ पर भी ब्रोक है यहाँ पर भी ब्रोक है, लेकिन ये इनट्रांजिटिव है और ये यहाँ ट्रांजिटिव है और ये यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। तो आया समझ में ना कि कुछ जो वर्ब्स है वो ट्रांजिटिव में भी यूज हो सकती है और इनट्रांजिटिव में, लेकिन कुछ वर्ब्स जो है वो ऑलवेज इनट्रांजिटिव ही यूज होगी, ओके।
तो अभी आपने देखा कि कुछ वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव में भी यूज आती है और इंट्रांजिटिव में भी. ओके, और तो वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. और थर्ड जो पार्ट है उसे हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स. डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स. ऐसी वर्ब जो कि टू ऑब्जेक्ट, मतलब कॉमनली टू ऑब्जेक्ट्स लेती है, तो उसे कहेंगे डाई ट्रांजिटिव. जैसे कि देखिए, गिव, ऑफर, टीच, सेंड, राइट, ब्रिंग, टेल, इस तरह की जो वर्ब्स है जनरली ये टू वर्ब्स लेती है, सॉरी टू ऑब्जेक्ट्स लेती है. जैसे देखिए, मनन गिव हिम ए पेन, तो एक हो गया सी, ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक और ऑब्जेक्ट. हाँ, टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. पहले मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा. ओके, और ये क्या का रिप्लाई करेगा? मनन ने दिया, क्या दिया? पेन. तो क्या का रिप्लाई जो करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और हुम का जो रिप्लाई करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. हाँ, तो अब देखिये, मनन गेव हिम है पेन, एक यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया और एक और ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू ऑब्जेक्ट्स ले रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी. अभी शी ऑफर्ड, उसने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? मी ए चॉकलेट, ही ऑफर्ड मी चॉकलेट्स, उसने चॉकलेट्स ऑफर की. अभी अगर हम बोले शी ऑफर्ड मी, क्या उसने मुझे ऑफर किया, क्या ऑफर किया, जब तक हम इसका रिप्लाई ना करें सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीटेड. तो ये वाली जो वर्ब्स है वो मोस्टली टू जो ऑब्जेक्ट्स है लेती है, टू ऑब्जेक्ट्स लेती है. अब ये देखिए, मिस्टर शर्मा टीचेस, मिस्टर शर्मा टीचेस अस, अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन अभी आगे क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स. तो टू ऑब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पर भी, दिस टू ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो ये वर्ब क्या कहलाएगी? डाई ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, गॉट इट. तो अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब. फ्रेंड्स, नाउ सी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, है ना, हम उन्हें हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. जैसे हमने जो टेंसेज वगैरह किए तो उसमें हमने बहुत सारी वर्ब्स यूज की थी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज विद द मेन वर्ब टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेज. टेंसेज को अलग अलग, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज की थी. ओके, अभी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को टू टाइप में डिवाइड किया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. ओके, तो प्राइमरी में क्या आएगा? बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव. ओके, इस तरह की आएगी. तो बी फॉर्म्स क्या कहलाती है? इज, एम, आर, वाज, वर. जैसे ही इज गोइंग, ओके, एंड यू आर राइटिंग ए लेटर, तो ये इज, एम, आर जो है, या फिर वाज, वर. He was cooking food, she was cooking food. ये कुछ भी, तो is, am, are, was, were, ये क्या हो जाएगी? Be form. Okay? Is, am, are and was, were. Be form में आ जाती है. फिर है do. उसमें आ जाएगी do, does, did. जैसे कि he does his work, he did his work. तो ये वाले जो verbs होगी वो इसमें आ जाएगी do form में. And have, has and had, have. जैसे I have completed my work. हाँ, ही हैज गोन. तो ये वाली जो वर्ब्स है वो सारी क्या कहलाएगी? प्राइमरी ऑक्सिलरी. ओके, अभी ये कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी यूज आ सकती है. सीधे एग्जांपल, रेनू इज डेकोरेटिंग द रूम. अब रेनू इज डेकोरेटिंग, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी ऑक्सिलरी हो गई, और ये डेकोरेटिंग, ये क्या हो गया? मेन वर्ब. ओके, रेनू इज डेकोरेटिंग द रूम. अब यहाँ पर आप देखेंगे रेनू इज हैप्पी, रेनू इज डेकोरेटिंग द रूम. इसमें जो इज आया ये ऑक्सिलरी है, और यहाँ पर रेनू इज हैप्पी, तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज आ रहा है कि रेनू हैप्पी है. ओके, वो उसकी स्टेट बता रहा है कि रेनू कैसी है, हैप्पी है, तो ये मेन वर्ब हो गई. ओके, अभी हमने क्या देखा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. अभी ये है मॉडल ऑक्सिलरीज. मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, इस तरह के जो होते हैं वर्ब्स उनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. और ये क्या करते हैं, क्या काम आते हैं? जैसे परमिशन और प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, ये शो करने के लिए इनको यूज किया जाता है. और इसे हम एक अलग वीडियोस में पूरा, एक मॉडल का एक अलग वीडियो डेवलप करेंगे, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी मेन वर्ब्स.
मेन वर्ब्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म या जीरम जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कैसे अलग अलग यूज करते हैं, जैसे इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड और इम्प्रूविंग। अभी इम्प्रूव का मीनिंग क्या है, सुधार करना, इम्प्रूव, जैसे कि सुधार करता है, इम्प्रूव्ड सुधार किया, इम्प्रूव्ड इसका मीनिंग हो जाएगा कि सुधार कर चुका है और इम्प्रूविंग में सुधार कर रहा है। सीधे एग्जाम्पल, ही इम्प्रूव्स हिज हैंडराइटिंग, ठीक है, यानी कि सुधार करता है वह, ही इम्प्रूव्स हिज हैंडराइटिंग, रोज वह कोशिश कर रहा है कि अपनी हैंडराइटिंग सुधार रहा है, ठीक है, सुधार करता है। इम्प्रूव्ड, ही इम्प्रूव्ड हिज हैंडराइटिंग, उसने अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर ली है, हो गई, मतलब उसकी इम्प्रूव हो गई। और इम्प्रूव्ड ये वाला जो है इसमें क्या होगा, ही हैज इम्प्रूव्ड हिज हैंडराइटिंग, यानी कि वह अपनी हैंडराइटिंग सुधार चुका है। इम्प्रूविंग, ही इज इम्प्रूविंग हिज हैंडराइटिंग, ये वह अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर रहा है। तो अभी आप डिफरेंस देखिए, सुधार करता है, सुधार किया, सुधार कर चुका है और सुधार कर रहा है। ऐसे ही आप इसे देखेंगे, इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड एंड इग्नोरिंग। इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना, ठीक है, उपेक्षा करता है एंड उपेक्षा की, उपेक्षा कर चुका है और उपेक्षा कर रहा है, ही इज इग्नोरिंग मी, ओके। तो इस तरह से हम इन्हें अलग अलग वे में यूज करते हैं, जैसे अभी जम्प, जम्प, जम्प एंड जम्पिंग। सी, लॉक, लॉक्ड, लॉक एंड लॉकिंग, ये फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम सेकंड और थर्ड बनाते हुए क्या यूज कर रहे हैं, जैसे ओबे, ओबे एंड ओवेड, ईडी, ईडी का हम यूज कर रहे हैं। आप देखिए, पोलिश, पोलिश्ड, पोलिश्ड, वैनिश, वैनिश्ड, वैनिश्ड। तो आप ये देखेंगे कि सारे ही जो वर्ब्स है उसको हम जब पास्ट में या पास्ट पार्टिसिपल में जब चेंज कर रहे हैं तो हम ईडी का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी, ईडी का यूज करना होता है, तो ये कहलाती है रेगुलर वर्ब्स, ओके। और ये आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो ये क्या है, जीरंड, ओके, जीरंड है, या हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। तो ये तो हो गई रेगुलर फॉर्म्स, ओके। अब हम देखते हैं इरेगुलर फॉर्म्स, बहुत सारे इरेगुलर फॉर्म्स होती है, जैसे हम बोलते हैं ईट, एट, इटन, हाँ बिल्कुल अलग से हो गई, ईट, एट, इटन, फिर गो, वेंट, गोन, स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, कट, 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 पुट, पुट, पुट। तो ये वाली जो सारी इस तरह की फॉर्म्स है जिससे कि उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग हो जाती है, और ये वाली जो फॉर्म्स है जिसमें ईडी और ईडी, तो ये कहलाएगी रेगुलर, और जो बिल्कुल चेंज हो जाती है वो सब क्या कहलाएगी, इरेगुलर। जैसे राइट, रोड, रिटर्न, हाँ तो बिल्कुल चेंज हो गए, राइट, रोड, रिटर्न। तो इस तरह की जो वर्ब्स है वो क्या है, इरेगुलर, ओके, और ये है रेगुलर वर्ब्स। नाउ सी फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनल वर्ब्स क्या होते हैं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जैसे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, हमने सिंगुलर प्लूरल जो किया था, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल, ओके, एंड द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ओके, एंड इट्स सब्जेक्ट एंड टेंसेज, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि टेंस या सब्जेक्ट चेंज होगा और वर्ब भी, वर्ब की जो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। लेट्स सी द एग्जांपल, ही ईट्स मैंगोज, ही ईट्स मैंगोज और आई ईट मैंगोज। आप देखिए यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है और आई क्या है, प्लूरल है। तो जब ये सब्जेक्ट चेंज हुआ, सिंगुलर के बजाय प्लूरल जब हमने, तो हम ये भी चेंज हो गया, ईट, ईट्स और ईट हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे शी इज ईटिंग, तो ये हो गया ईटिंग, क्योंकि यहाँ हमने टेंस चेंज किया, ये था प्रेजेंट इंडेफिनेट, ओके, और शी इज ईटिंग मैंगो, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ क्या आ गया, ईटिंग। और अभी यहाँ देखेंगे दे एट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टेंस चेंज हो रहा है, तो ये पूरी वर्ब्स जो है बार बार चेंज हो रही है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, प्लूरल है, तो चेंज हो रही है, पर्सन चेंज हो रहा है तो हो रही है। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पर, ये है थर्ड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है,
तो फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पर्सन चेंज होता है तो टेंस के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो टेंस नंबर्स और इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। लेट्स सी द एग्जांपल, शी लाइक्स टू प्ले, दे लाइक टू प्ले। अभी ये लाइक्स जो है ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, बट टू प्ले ये यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये शी लाइक्स, दे लाइक और दे लाइक भी, यहाँ टेंस भी चेंज हो गया है, तो ये सब चेंज हो रही है, इसलिए ये हो गई फाइनाइट वर्ब। और ये देखिए टू प्ले एंड टू प्ले, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि चेंज नहीं हो रही किसी भी कंडीशन में, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है जो कि कभी सिंगुलर है, कभी प्लूरल है, कभी फर्स्ट पर्सन है, कभी थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर ये कभी प्रेजेंट से इंडेफिनेट है तो कभी पास्ट इंडेफिनेट है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है, ये हो गया फाइनाइट वर्ब्स। और ये जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा किसी भी कंडीशन में, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यू कैन सी दिस एग्जांपल आल्सो, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग वॉज अ गुड एक्सरसाइज, है ना, रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज थी और रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज रहेगी हमेशा के लिए, तो ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है। और इसे हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, एज ए नाउन वी आर यूजिंग हियर, दिस सब्जेक्ट इज नाउन रनिंग, ओके। तो इस तरह से हमने आज देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब, और फिर अभी हमने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट एंड एक ऑक्सिलरी मेन वर्ब, सब कुछ हमने देखा। तो आपको वर्ब्स की सारी फॉर्म क्लियर हो गई होगी, सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, सो देट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।